नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आपको बताएं दर्शकों, इस समय साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो गोगा मड़ी की हत्या हुई और उस हत्या के बाद अब चर्चाएं इस बात की भी हो रही है कि आखिरकार इस हत्या के होने के इतने दिनों के बाद भी पुलिस दरअसल उनको गिरफ्तार, हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। रोहित राठौर, नितिन फौजी, ये दो ऐसे नाम हैं दर्शकों जिस पर पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर जो है FIR दर्ज करके नकेल कसने के लिए उसकी तलाश शुरू कर चुकी है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। लगातार इस मामले में कहीं ना कहीं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत के तुरंत बाद आखिरकार राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, उनके घर में घुस करके लोग जो है फायरिंग ताबड़तोड़ करते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर भाजपा की सरकार जो यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल बन चुकी है, मात्र चेहरे का ऐलान बाकी है, क्योंकि इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि अगर बालकनाथ को यहाँ पर पद सौंपा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो इस पूरे मामले में अपनी छवि के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करेंगे दर्शकों। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस समय कहीं ना कहीं जो करनी सेना के लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लगातार आगजनी कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला सरकार बनने के तुरंत बाद नहीं लिया और इस पर मुख्यमंत्री ने कोई कड़े आदेश नहीं दिए तो जाहिर सी बात है कि ये मामला एक राजनीतिक मामला भी बन सकता है और 4-5 महीने इस मुद्दे को खींचना विपक्ष के लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा दर्शकों, क्योंकि राजस्थान में इस तरीके के धार्मिक मुद्दों को लेकर के राजनीति होती रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की बात हो। दर्शकों, इससे पहले भी कन्हैया लाल मर्डर केस को लेकर के भाजपा ने जमकर अशोक गहलोत की सरकार को आड़े हाथों लिया था और कई बड़े सवाल दागे थे कि आखिरकार जो है इस पूरे मामले में सरकार ढील क्यों कर रही है, और अब उस जैसा ही लगभग मामला जो है यहाँ पर जो है सुखदेव सिंह के साथ हुआ है, जिसको लेकर के अब ये माना जा रहा है कि इस पर सरकार को कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे जल्द से जल्द, वरना मामला भाजपा के हाथ से निकल सकता है और सरकार बनने से पहले ही एक कड़ी चुनौती जो है आने वाले मुख्यमंत्री के लिए खड़ी हो जाएगी। दर्शकों, फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।